हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं और बहुत ही इजीली ये बन भी जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार एंड स्पाइसी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स गो। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। मसाले में हमने ब्लैक पेपर, लहसुन, गरम मसाले और ज़ीरा लिया है, अदरक हमने नहीं लिया है। तो हम इन सब चीज़ों का एक पेस्ट तैयार करेंगे। और प्याज हमने 5 लिया है, इसे हम पतली पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। प्याज को हमने पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने जो मसालों का पेस्ट तैयार किया था, उसमें हम 2 स्पून मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून सोल्ट ऐड करेंगे, 3-4 तेज़पत्ता। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। इसको हमें 10 से 15 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें ब्राउन तक नहीं पकाना है। इसके बाद ही हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसे हम प्याज को ब्राउन होने तक चिकन के साथ ही में प्याज को पकाएंगे। हमारा ब्राउन हो रहा है और इसके साथ साथ देखिए चिकन भी हमारा फ्राई हो रहा है। मसाले की जो ग्रेवी हमने तैयार की थी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे मिक्स कर दिया है, अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर भूनना है अच्छे से, जब तक कि प्याज हमारा गल ना जाए, क्योंकि प्याज हमारा गलेगा तभी तो हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो तब तक हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से भून लेना है। हम इसमें 3 हरी मिर्च और नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसे हमें 20 मिनट तक और हमें पकाना है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे अब हम इसमें, और फिर हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसे हम और पकाएंगे, ताकि जो हमारे प्याज की ग्रेवी है वो और अच्छे से रेडी हो पाए। देख सकते हैं प्याज जो है हमारा वो गल रहा है, तो इसकी ग्रेवी हमें और अभी रेडी करनी है। तो हमारी मसालेदार और स्पाइसी चिकन बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।